राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन प्रोग्रेस देखिए इस शो की भी, कि दो बैक टू बैक 2 वीक्स हमारे पास इंडिया के गेमिंग सीन के बड़े क्रिएटर्स आए हैं। लास्ट वीक हमने बात करी थी अंकित पंत से, और इस बार हमारे पास आ चुके हैं जस्ट वेरी फ्रेशली, कुछ घंटे पहले ही अनाउंस हुए रेडबुल के ग्लोबल एथलीट उज्ज्वल AKA टेक्नो गेमर्स। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक काफ़ी कम एज पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है जनता को जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट करा। और ये है कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ मेरे को मिली है इसका कुछ ना कुछ बढ़िया आपको मैं लाकर देने वाला हूँ, वो मैं थोड़ा सा एक लीक दे रहा हूँ जो कि आपको आगे चल के पता चल जाएगा, क्योंकि रेडबुल जैसा सपोर्ट अभी मेरे को मिलने वाला है आपकी वजह से, तो कुछ ना कुछ आपके लिए भी बढ़िया आने वाला अभी। आई मीन ऑडियंस को ऑलरेडी, आई मीन ये मेरे को बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इंटरव्यू की शुरुआत ही एक मजेदार लीक के साथ हुई है। तो सबसे बड़ा, जैसे मेरे को अभी तक 1 लाख पे भी उतनी खुशी नहीं हुई, मतलब खुशी हुई है, बट एक जो 1000 सब्सक्राइबर्स पे 1000 पे जो खुशी हुई थी वो 22 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन पे नहीं हुई, वो एक अलग ही था। मतलब 22 मिलियन पे मैंने किसी को नहीं बताया भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर, 20 पे भी किसी को नहीं बताया, पर 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने पूरे में गा दिया था, ट्यूशन स्कूल सारे दोस्तों, एक बंदा ही नहीं बचा जिसको मैंने ना बताया कि भाई मैं एक यूट्यूबर बन गया हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बट हाँ, फिर उसके बाद खुशी हुई हर एक माइलस्टोन पे, बट 1000 वाला जो था वो नहीं आया दोबारा, वो सबसे ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद उसका सीन कुछ ऐसा था ना, मेरा एक शौक था बचपन से, गाने वाने सुनते हैं हम लोग, तो फिर एक होता है कि यार काश मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मेरे को भी एक गाना बनाना चाहिए, तो बस एक यही आइडिया था। फिर क्या हुआ कि ऐसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, अब सबके कमेंट सारे भाई सरप्राइज लाओ, अच्छा अब बाकी क्या करते हैं कि ऐसे फेस रिवील कर देते हैं, तो सरप्राइज हो जाता है एक बहुत बड़ा। मेरा सीन ये था, मैं तो फेस रिवील ऑलरेडी कर चुका, अब मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ यार सरप्राइज क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में ना तुरंत आया कि यार एक सॉन्ग कर सकते हैं, वो मेरा अंदर से भी शौक है और ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, मतलब दोनों खुश हो जाएंगे एकदम मस्त। तो मैंने यही प्लान फिर अपने मैनेजर के साथ शेयर करा, देन हमारा पूरा प्लान और ये सॉन्ग शूट करा। आई मीन ये बहुत बढ़िया स्टोरी थी कि सरप्राइज चाहिए था, ये लो सरप्राइज है, गाना दे दिया सीधा। बट आज जो चीज़ हुई है द रेडबुल एथलीट वाला पार्ट, हाउ प्राउड आर यू? आई मीन आज आप अपने ब्रदर को भी, आई मीन आपने फ़ोन करके बताया उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ है? हाँ एकदम, मतलब उन्होंने तो मेरे को एक तो सरप्राइज़ करा, जैसे शायद उन्हें पहले से मालूम था कि ये सब, मेरे को पता नहीं था कि आज ही होने वाला है, मेरे को लगा ऐसे जाना है लाइफ पे, मस्ती चलने वाली है यहाँ पर, फुल इन्जॉय करेंगे, मैचेस देखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बट ये हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था, मतलब बहुत ही अलग ही सरप्राइज़ था। बाकी अभी तो मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर पे जाके मम्मी को बताने के लिए। ऑलराइट, तो घर पे अभी आप सरप्राइज देंगे अपने पेरेंट्स को, घर वालों। एंड आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी बिग डील, आई मीन पहले आई मीन सब्सक्राइबर्स की हमने आपकी बात कर ली, यू हैव अ वेरी बिग फॉलोइंग, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड जिनकी बैकिंग अब आपको मिल चुकी है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। आपने लीक्स तो बताए कि आप और भी चीज़ें आगे लेकर आएंगे, और अगले महीने में? हाँ, अगले महीने से एक अनाउंस आ जाएगी, अगले महीने एक अनाउंसमेंट आ जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि रेडबुल एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट करता है अपने एथलीट्स को, तो वही सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, और उस सपोर्ट का लेकर मैं इंडिया की जो गेमिंग कम्युनिटी है जहाँ पर नहीं बढ़ पा रही आगे, शायद से मेरी ऑडियंस समझ गई होगी, एक ऐसी गेम है जो ई स्पोर्ट्स में नहीं आ पा रहे, उसको लाने का ठेका मैं उठा रहा हूँ रेडबुल की मदद से। आई मीन गेम का नाम भी ले लेते हैं, ऑडियंस समझ गई है, कॉमेंट्स में बता देना। तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जब बंदे को एक ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना होता है तो सीधा ये सोचता है कि बस मैं कॉम्पिटिटिव गेम खेलना स्टार्ट कर दूँ जिसके टूर्नामेंट हो रहे हैं, बट जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कई इंटरव्यूज़ में कि थोड़ा सा ना हमें इस चीज़ में हेल्थ का ध्यान रखना होता है, कि पता चला हम बस गेम खेलने में लग गए, बट उसके बाद ये चल रहा है कि गेम में क्या होता है, हम लगे पड़े हैं पूरे टाइम पर हम हार रहे हैं, अब उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए हार रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न हेल्थ भी हो सकता है कि हमारा माइंड शांत नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव गेम में बहुत ज़्यादा टेंशन एक प्रेशर आता है, तो फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे एक्सरसाइज होगी, थोड़ा बहुत अच्छा खासा खान पान, बाकी आपको बताइए गेमर्स रात रात जागते हैं, आंखों पे रहता है स्पेक्स वगैरह, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी गेम प्ले तो चलता ही रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, टीम अच्छी बनानी है। MTV पे आपके गाने भी आएंगे कुछ ही दिन में, आई बिलीव होपफुली हमको वहाँ पे आपका जलवा जो है म्यूजिक का वो भी वहाँ पे नजर आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड एक बार फिर से लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट एक्सक्लूसिव विद द रेड बुल एथलीट, सबसे नए सबसे फ्रेश इंटरनेशनल रेड बुल के चेहरे टेक्नो गेमर्स एके उज्जवल हमारे साथ. थैंक यू गाइस. मैं तो बस ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने आज यहां तक पहुंचाया. थैंक यू सो मच.